सोलन के कसौली में महिला अधिकारी की सरेआम हत्या और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान महिला अधिकारी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। हमीरपुर के गांधी चौक पर आयोजित सांकेतिक धरना प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नदौन के विधायक ठाकुर सुखविंदर सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदर्शन में पार्टी महासचिव सुनील शर्मा, पूर्व महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर सहित सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष मौजूद रहे। प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार की तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज भी उठाई। कांग्रेस नेताओं ने जहां बिगड़ती कानून व्यवस्था को जयराम को दोषी ठहराया, तो वहीं उन्होंने कोर्ट के आदेशों को अमलीजामा पहनाने वाले कर्मचारी को पर्याप्त सुरक्षा न मुहैया करवाने का आरोप भी लगाया। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और जयराम सरकार सो रही है। उन्होंने कहा कि हत्यारा सरेआम हत्या करने के बावजूद पकड़ा नहीं गया और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार कानून व्यवस्था में सुधार लाने में नाकाम रही है, तो पार्टी बड़े आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी। वो आज जिसने हत्या की है, जिसने एक महिला जो कर्मचारी है उसकी हत्या की, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। वहां से मारकर बात किया, क्या ये सरकार है जो समाज को सुरक्षा प्रदान कर सके? आप तो गृह मंत्री है, आप होम मिनिस्टर है, आप अभी दिल्ली में बैठे हैं और हिमाचल में लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम जयराम सरकार को छताना चाहते हैं। 100 दिन की कार्यगुजारी मोहन सिंह की सुरक्षा से संबंधित होनी चाहिए थी। जिस प्रकार का माहौल है, उस माहौल से निपटने की तैयारी के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन जयराम सरकार सही हुई है। अगर आने वाले समय में, भविष्य में, अगर उन्होंने इस स्थिति को नहीं संभाला, तो कांग्रेस पार्टी और बड़े आंदोलन की तरफ जाएगी। वहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ठाकुर ने कहा कि देश में अराजकता का माहौल बढ़ता जा रहा है और केंद्र सरकार तानाशाही वाला रवैया अपनाकर काम कर रही है। उन्होंने सरकार पर लोगों को बांटने के आरोप भी लगाए। इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 70 साल में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि देश में अराजकता का माहौल है। समाज के विभिन्न वर्गों को बांटा जा रहा है, चाहे वो जाति के नाम पर, चाहे वो धर्म के नाम पर इस देश का विभाजन करने की कोशिश की जा रही है। हमारा समाज, हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता था, जहाँ सभी जाति का सम्मान होता था, जहाँ सभी भाषाओं का सम्मान होता था। अब 4 साल में लोग समाज के ऐसा महसूस करने लगे हैं, आज अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का हालत देख लीजिए, वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही। जब से जम्मू कश्मीर बना है, वहां कानून व्यवस्था कोई नहीं रही। हरियाणा का हाल देख लीजिए और पिछले 4 महीने से इस जयराम सरकार का हाल देख लीजिए कि जहां आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन जो सरकारी अधिकारियों पर गोली चल रही है और जयराम सरकार सोई हुई है।